हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ कमलेश यादव, मोटिवेशन स्पीकर एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल कंटेंट लेकर के। जो आज हमारे कंटेंट का नाम है या जो आज हमारा टॉपिक है, माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम। जी हाँ, माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम, यदि आप भी एक माइंडसेट, एक आप भी बिलीफ सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप लास्ट तक की बने रहें और लास्ट तक की देखें। जो आज हमारा कंटेंट है या जो आज हमारा टॉपिक है, माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम, तो आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं, स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि माइंडसेट या बिलीफ सिस्टम होता क्या है। माइंडसेट होता क्या है? क्या हुआ कि एक बार एक कॉलेज में एक प्रोफेसर स्पीच देने आए, यानी कि उनका क्लास चल रहा था, वो क्लास में आए क्लास अटेंड करने। तो वो जो है कि वहां पे क्लास में आए अपना लेक्चर देने के लिए, तो उन्होंने एक वीडियो दिखाया। पहले सारे स्टूडेंट को बोला कि मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाऊंगा और आप इस वीडियो को लास्ट तक की देखना, और लास्ट में मैं आपसे इसमें इनमें से एक सवाल पूछूंगा। मैं आपको आपसे इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे इनमें से एक सवाल पूछूंगा, आपको सवाल का जवाब देना है। तो उन्होंने एक वीडियो चलाया, जो प्रोफेसर थे कॉलेज के, उन्होंने एक वीडियो चलाया कि एक समुंदर था, बहुत बड़ा समुंदर, विशाल का है समुंदर, और उसमें जो है कि एक बहुत तूफानी लहर चल रही थी, यानी वायुमंडल से चल रहा था, और बहुत बिजली कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे और तूफान काफी तेज चल रहा था, हवाएं बहुत तेज थी, तूफान चल रहा था और बिजली कड़क रही थी और लहरें बहुत तेज थी, और साथ में उसका वायुमंडल यानी गोल गोल करके उसका पानी की लहरें चल रही थी, और उसमें एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज जा रहा था, और देखते देखते कुछ टाइम में जो है कि पानी उस जहाज को ऊपर ले जाए, कभी नीचे ले जाए, कभी ऊपर ले जाए, कभी नीचे ले जाए, और देखते देखते जो है कि वो जहाज धीरे धीरे करके पानी में डूबने लगा। और जब जहाज पानी में डूब जाता है तो प्रोफेसर उस वीडियो को बंद कर देते हैं और उन्हें बच्चों से पूछते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपको इसमें क्या समझ आया या आपको इसमें क्या दिखा। तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, सर ये बहुत तेज तूफान की वजह से, यानी बहुत तेज हवा की वजह से ये जहाज डूब गया। और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत तेज जो एक बिजली कड़क रही थी, बारिश की वजह से समुंदर में जहाज डूब गया। और तीसरे स्टूडेंट कहते हैं, सर बहुत तेज समुंदर की लहरें चल रही थी, यानी वायुमंडल चल रहा था, तो इस करके समुंदर में ये जहाज डूब गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोफेसर साहब ने उनको एक बस लास्ट में एक ही जवाब दिया, क्योंकि ये माइंडसेट था, उन सबका माइंडसेट पहले से ऐसे बनाया गया था, उनका बिलीफ सिस्टम ऐसे बनाया गया था कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है या आती है। तो प्रोफेसर ने उनको एक ही जवाब दिया लास्ट में कि आपने सही तरीके से वीडियो को नहीं देखा। अगर मैं आपको सही से बताऊं कि क्या था इसमें, तो इसके जो समुद्री जहाज के अंदर पानी धीरे धीरे करके जाने लगा, पानी इसके अंदर गया, ये पानी की वजह से डूबा है। यस, ये पानी इसके अंदर गया है और ये पानी भरने की वजह से समुद्री जहाज डूबा है, ना कि बहुत तेज तूफान से, ना कि बारिश से, और ना ही समुद्र की तेज लहरों से। यानी कि आप अपने माइंडसेट को और आप अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि इसमें कोई भी दूसरा आपका कुछ भी बाल बांका ना कर सके। इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपना काम करें। जैसे कि आपने देखा होगा, जिस घर में हम पैदा होते हैं या जो भी छोटे बच्चे को देखते हो, जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा अंधेरे में मत जाओ, तो उसको ये पता नहीं कि अंधेरे में जाने से क्या होगा छोटे बच्चे को। तो उसको जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा अंधेरे में मत जाओ, यहां पर भूत रहता है,
यानी कि उसके पेरेंट बोलते हैं यहाँ पर भूत रहता है, लेकिन उस छोटे बच्चों को ये नहीं पता है, उस पेरेंट को पता है कि मेरा बच्चा अगर अंधेरे में जाता है, मेरा बेटा अगर अंधेरे में जाता है वहां गिर जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, लेकिन यह चीज उसको बताते उसको समझ में नहीं आता, इसलिए उसको डराते हैं कि आप अंधेरे में जाओगे, अंधेरे में भूत रहता है। तो लास्ट में क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा माइंड सेट इतना स्ट्रांग बन जाता है कि अंधेरे में भूत रहता है। इस करके बहुत सारे लोग बड़े भी हो जाते हैं तो भी डरते रहते हैं अंधेरे से। इसलिए अपना माइंड सेट इतना स्ट्रांग बनाइए, अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपको कोई भी हिला ना सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो, मेरे कंटेंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये जो आपको जो अच्छा लगा होगा इस वीडियो में, इस कहानी में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं किस और टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूं। तो थैंक यू सो मच, आप लेकर मैं बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं कि आप मेरे साथ ज्वाइन होकर के महीने में मिनिमम आप 20,000 रुपए की इनकम अर्न कर सकते हो। अभी पार्ट टाइम में पर डे 2 घंटे काम करके आप महीने में 20,000 रुपए कमाएं, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले हो, क्योंकि यहां पर वर्क फ्रॉम होम आपको काम करना है। पर डे 2 घंटे काम करके आप महीने में 20,000 रुपए कमाएं मिनिमम, और आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं यदि आप ज्यादा एफर्ट करते हैं, ज्यादा आप मेहनत करते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट के आप 20,000 रुपए महीना कमाएं, वो भी पार्ट टाइम में। थैंक यू सो मच, जिसको ज्वाइन होना है ये जो स्क्रीन पर नंबर चला, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं और आप माय टीम का सदस्य बन सकते हैं और आप आसानी से 20,000 रुपए की इनकम को अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।